दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर आपका फोन है कहे तो उसको चेक करके और हटाना कैसे है ये भी बता रहा हूँ। तो मेरे ये दोनों वीडियो आप बिल्कुल भी देखना ना भूलिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी के फ़ोन को कैसे हैक कर सकते हैं, कैसे सारी डिटेल अपनी मेल पर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना है अपनी मेल आईडी पर बिना उसके पते के कि आपका पार्टनर आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, तो उसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो नए दोस्त आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए तो हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों तो बिना देर किए हुए चलिए आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जिसके फ़ोन को हैक करना है या जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको चेक करनी है, चाहे वो आपका पार्टनर हो या कोई भी हो, वैसे तो गैरकानूनी है लेकिन फिर भी अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए यूज कर रहे हैं या अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं होना देना चाहते तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकी हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, callrecord24.com ये आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों ये लीजिए, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए, मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक किया और ये डाउनलोडिंग हो गया है। तो दोस्तों ये डाउनलोडिंग हो गया है, मैं अब चलता हूँ वापस, देखते हैं अभी ये हमारे मोबाइल में आया है कि नहीं। तो आपको ये विक्टम के मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है। सॉरी, ये इंस्टॉल नहीं हो पाया था, हमने जल्दी बंद कर दिया। कॉल रिकॉर्ड 24 इंस्टॉलेशन डाउनलोड, डाउनलोडिंग करता हूँ मैं इसको, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली डाउनलोड हुआ नहीं था फर्स्ट टाइम, ठीक है दोस्तों। यस, अभी डाउनलोड हो गया, तो नीचे मैसेज आ गया है। तो ओपन करिए इसको, इंस्टॉल कर दीजिए। अब ये इंस्टॉलिंग होने के बाद यहाँ कैंसिल कीजिएगा, डन आ जाएगा, स्कैनिंग हो रहा है, ऐप सेफ हो गया है, डन हो गया है। दोस्तों आपने विक्टन के मोबाइल में ये इंस्टॉल कर दिया है, या आप जिसका मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसके में, तो ये आ गई है एप्लीकेशन कनेक्शन। अभी आप यहाँ पे एग्री कर दीजिए और यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल दीजिए। इसके लिए आपको मेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है, इसमें नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। दोस्तों इतना होने के बाद में आपका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आप इतना होने के बाद में अगर इसको यहीं छोड़ देते हैं तो आप जिसके मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं उसको पता लग जाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन वहाँ दिखाएगा कनेक्शन। तो आपको इसको क्या करना है, हाइड आइकन कर देना है। तो सबसे पहले आप इसमें कोड चेंज कर दीजिए, एक्सेस कोड मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, जैसे कुछ भी कर दीजिए, मैं जैसे इसको 1234 छोड़ देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। तो *1234S और यहाँ से हाइड आइकन कर देता हूँ। अब ये ऐप यहाँ से चली जाएगी, थोड़ी देर में देखना, अब ऐप चली जाएगी और उसको पता भी नहीं रहेगा उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो सारी डिटेल आपकी मेल पे आएगी। देखिए ऐप चली गई है, अब देखिए मैं कॉल करता हूँ और जो मेरी मेल आईडी है उसके ऊपर सारी डिटेल आएगी। जो आप मेल आईडी उसमें डालोगे, आपकी मेल आईडी पर उस फ़ोन की सारी डिटेल्स और जो भी ऑडियो वीडियो फ़ोटो जो भी ली जाएंगी वो मिलेंगी। बस आपको सिर्फ वहीं से चेक करनी है, आपको आपकी मेल आईडी और पासवर्ड चाहिए होंगे जो आपको लिंक पर आ जाएंगे। अब देखिए मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ कॉल कैसे रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए मैं कॉल करता हूँ, मैं अभी कॉल करता हूँ ये दोस्त को, सत्येंद्र को। अभी देखिए जा रही है, वो फ़ोन उठाएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, मैं अभी कॉल करता हूँ, जस्ट चेक कर रहा था। ये देखिए अभी मैंने कॉल किया, तो अभी ये जो कॉल है ये मेरी मेल आईडी पे सेव हुआ मिलेगा आपको। ये देखिए इसके ऊपर आया मेरे को मोबाइल रिकॉर्डर, ये देखिए कि ये लिंक हो गया है इससे। अभी इस माई रिकॉर्डर को आप
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेल आईडी पे, अगर लॉगिन नहीं होगा तो मेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ये देखिए ये आ गया है जियोनी रेडमी नोट 5 प्रो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और दोस्तों ये देखिए डाउनलोड का ऊपर ऑप्शन आ गया है, मैंने अभी जो कॉल किया है ना, ये देखिए ये कॉल किया है, ये भी दिखाएगा। कमांड में जाने का है आपको, और कमांड से ये जो डाटा है इनेबल कॉल रिकॉर्डिंग कर देने का है, और जब आपको इसको हटाओगे तो डिसेबल कर देने का है और सेंड कर देने का है। अब देखिए जो मैंने कॉल किया था वो डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए। ओके दोस्तों, अभी जा रही है। हाँ भाई मैं अभी कॉल करता हूँ, चेक कर रहा। देखा तो ये कैसे मेरी, या जिस फ़ोन पे जो भी जिसने भी बात की होंगी या जिसका भी ये फ़ोन होगा वो सारी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो अभी दोस्तों मेरे को अगर इसको हटाना है, देखिए तो अभी मेरा वो आइकन तो चला गया। अभी मैं अपने सपोज करो आपको पार्टनर सही है और आपको उसको मेल को हटाना है या आपको इस लिंक को ख़त्म करना है, तो आपके पास वो पासवर्ड होना चाहिए। आपको क्या करना है, जस्ट डायल में जाने का है, और वो पासवर्ड क्या डाला था मैंने, *1234# ये डाला था ना। तो डायल करता हूँ, अब देखिए ये मेरा वापस खुल गया भाई। अब आप इसको क्या करें, इसको यहाँ से बैक कर दीजिए तो ये मेरी एप्लीकेशन वापस आ जाएगी, और इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये मैंने कर दिया अनइंस्टॉल, तो ये मेरा कम्प्लीटली हो गया है क्लियर दोस्तों, ठीक है। और जब आपकी मेल आईडी है उसके अंदर जाइए, मेल आईडी में जाके आप ये जो लिंक था उसको क्लिक करिए, और रेडमी नोट ये है इसमें कमांड को जाके और डिसेबल पे कर देने का है। अनेबल कॉल रिकॉर्डिंग किया था, अब डिसेबल कर देने का है। सॉरी, ये पिक का भी है, कॉल का भी इसमें सारा है, तो आपको इसको डिसेबल कॉल रिकॉर्डिंग कर देना है और रिसेंट कर देना है सक्सेसफुली, और जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो आपका ये पहले जैसा ही हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि फ़ोन को कैसे हैक करना है, और मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी ज़रूरत ना पड़े और इसको आप इलीगली यूज़ ना करें, तो क्योंकि किसी के फ़ोन को इलीगली यूज़ करने पर आपको सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल नंबर को किसी ने हैक कर रखा है तो आपको कैसे पता करना है, और पता करने के बाद में उस हैक को, आपके मोबाइल पर कोई भी किसी भी चीज़ का हैक हो, नेट एक्सेस या आपका कॉल, मोबाइल, वीडियो, फ़ोटो, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐप चल रहे हैं जो यूट्यूब पर आजकल सीखकर लोग कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई भी कैसा भी लिंक हो उसको हटाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मोर वीडियो पाने के लिए जय भगवान दिव्य टिप्स को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।